देखो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या आप BGMI को अपने लैपटॉप में खेल सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल खेल सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे मैंने ये BGMI को यहाँ पर जो जो मैं करने वाला हूँ सब यहाँ पर आने वाला है। मैं यहाँ पर अगर ये इमोट्स को भी चलाऊं तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर हो रहा है सेम टू सेम इस वाले लैपटॉप पर भी हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप अगर BGMI खेलना चाहते हो अपने लैपटॉप में तो उसे खेल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस कैसा आपको मिलने वाला है, एंड उसके बाद बताऊँगा। ये देखो वायरलेसली, देखो कहीं भी वायर वगैरह नहीं है, एंड मैंने इसे अपने लैपटॉप में यहाँ पर खेल सकता हूँ ईजिली। जो भी मैच मुझे अगर खेलना होगा वो सारे मैच यहाँ पर मैं ईजिली खेल सकता हूँ। ठीक है, और मैं आपको खेल कर इसका एक्सपीरियंस भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर इस मैच को खेल सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो TDM मैच यहाँ पर मैं आपके सामने खेल कर दिखाने वाला हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर इस मोबाइल को अगर नीचे यहाँ पर कर दूँ एंड बस इस स्क्रीन में यहाँ पर मैं देख कर अपने गेम को इंजॉय कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो जो मैं करूँगा सब यहाँ पर आपके लैपटॉप में शो होने वाला है। तो यहाँ पर देखो हम एक TDM मैच को खेल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रख दे रहा हूँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके सामने शो होगा। मैं मैच स्टार्ट कर दिया है एंड देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ। एक्चुअली मैं कंफर्टेबल यहाँ पर सीट नहीं हूँ, इसलिए मेरा गेम प्ले जो अच्छा नहीं हो रहा है, बट मैं किल कर लेता हूँ अच्छा से। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़े बहुत करके दिखा रहा हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पर हमने गेम को डन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसके गेम एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको कैसा मिलता है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं बताऊँ कि मोबाइल में से अगर आप लैपटॉप में आकर करते हो ना कनेक्ट, तो यहाँ पर आपको हल्का सा डिले देखने के लिए मिलता है। बट ऐसा नहीं, आप खेल नहीं सकते हो, आप इजीली खेल सकते हो, स्मूथली खेल सकते हो, आप विन भी कर सकते हो। तो देखो अपने मोबाइल की गेम को अपने लैपटॉप में चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो दोनों चीज़ में आपको एक छोटा छोटा सेटिंग करना होता है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो आपको अपने लैपटॉप को किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, आपको जस्ट अपने वाईफाई को ऑन कर देना है। देखो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई मैंने ऑन करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग के लिए यहाँ पर सिंपली आपको चले जाना है सर्च बार में, यहाँ पर आपको सेटिंग सर्च करना होगा।
एंड देखो जैसे यहाँ पर मैं सेटिंग सर्च करता हूँ उसके, देखो यहाँ पर सिंपली आपको चले जाना है सिस्टम वाले ऑप्शन में। ये देख पा रहे हो यहाँ पर सिस्टम आपके सामने आ रहा है ना, इसमें यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो सिंपली आप नीचे आओगे एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल रहा होगा, देख पा रहे हो प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, ये देख पा रहे हो लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब बारी आ जाता है हमारे मोबाइल में, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली हमें देखो यहाँ पर सिंपली आपके मोबाइल में कास्ट बोलकर एक ऑप्शन आएगा, इसे यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे, कास्ट नहीं तो मिरर ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसे सर्च करने के बाद यहाँ पर देखो आपका जो लैपटॉप का नाम होगा ना वो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा, तो इसे यहाँ पर आपको टच कर देना है। एंड टच करते ही यहाँ पर देखो ये कनेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट चलते हैं अब हम अपने गेम, आपका जो भी गेम आपको खेलना होगा उस गेम को यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं BGMI को कर रहा हूँ। एंड देखो जैसे मैं BGMI को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ ये यहाँ पर सिंपली ओपन हो चुका है। बाकी देखो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि अपने मोबाइल की भी मीडिया मतलब आपके फोटो वीडियोस को आप लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो बिना कोई वायर को लगाए हुए, बिना कोई वायर को कनेक्ट किए हुए भी, आप वायरलेसली किसी भी फाइल को लैपटॉप से मोबाइल में एंड मोबाइल से लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी वीडियो फाइल या किसी भी चीज़ को नहीं पता है तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। एंड हाँ चैनल में हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।